आप लोगों के बीच में मैं यहाँ पर मुझे बुलाया है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रोफेसर राय का। पहला धन्यवाद इसलिए कि यहाँ पर उन्होंने मुझे बुलाया दूर से और एक गांव के आदमी को, और दूसरा धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि यंग जनरेशन को कुछ बोलने के लिए बुलाया है। और आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ज़्यादातर सभी लगभग यंग जनरेशन है। यहाँ मैं एक बात आपके सामने लाना चाहता हूँ कि हमें गर्व है इस बात पर पूरे विश्व में भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसके पास 70% जो पॉपुलेशन है बिलो 36 ईयर है, और इसी के दम से हम कह सकते हैं कि भारत एक दिन विश्व का गुरु होगा। ये पूरे विश्व में कहीं नहीं है, ये हमारी यूनिक परफॉर्मेंस है भारत की। लेकिन अब सवाल ये होता है कि ये युवा जो 70% के बिलो 36 ईयर्स युवा है, इस युवा को हम सकारात्मक दृष्टिकोण से कैसे आगे बढ़ा पाएं? क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि दो तीन विचारधाराओं पर बहुत मंथन हो रहा है। एक तरफ तो आप पर्यावरण की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम विकास की बात कर रहे हैं। विकास हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है, और ये विकास का ही पर्याय है कि जो टेक्नोलॉजी भारतवर्ष में डेवलप हुई है, जो टेक्नोलॉजी के बलबूते पर ये हम आपको प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी है कि जो आज एक गांव का आदमी अपने कामों को प्रदर्शित कर पा रहा है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ टेक्नोलॉजी का भी, कि टेक्नोलॉजी से चीज़ें और विस्तार में गई हैं। और यही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हम आर्थिक विकास, समुदाय का विकास, देश का विकास, हमें विश्व को कम्पीट करना है और विश्व में अपने आप को खड़ा करना है पैनल में। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी न भूलें कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो हमारा जल, जमीन और जंगल है, क्या वो सतत गति से आगे बढ़ पाए? कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, विकास के नाम पर पर्यावरण की हमको कोई आवश्यकता नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, पर्यावरण ही होना चाहिए, बहुत जरूरी है, विकास को हमें लगाम लगानी चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा ये मेरा अपना एक स्पष्ट मानना है कि मैं अपनी युवा पीढ़ी को विश्व के पैनल में खड़ा होने से नहीं रोक पाऊंगा और नहीं रोकना चाहता हूँ। हम भी चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी उसी तेजी से विकास की गति को, आयाम को छुए जो आज विश्व का युवा छू रहा है। हम उसको रोकने नहीं जाने सकते हैं, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि हम ऐसे विकास को जन्म दें, हम ऐसे डेवलपमेंट की बात करें जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को के साथ तालमेल मिला करके, दोनों में सामंजस्य मिला के आगे बढ़ पाएं। इससे एक तरफ हमारा विकास बढ़ता रहेगा और दूसरी तरफ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे। और जहाँ तक मेरा स्पष्ट मानना रहा है कि कहीं ना कहीं अब समय आ गया है और ये सोचने का कि इस यंग जनरेशन को, मैं आपके सामने बहुत ये नहीं बताऊंगा कि आज जो कुछ हो रहा है वो उससे आप भी अच्छी तरह जानते हैं, आपको पूरी तरह पता है क्या क्या हो रहा है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लें, क्लाइमेट डिस्टर्ब की बात कर लें, चाहे हम किसी भी चीज़ की बात करें, आप सब जानते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत आवश्यक रूप से हो सकती है कि हम ऐसा विकास का मॉडल तैयार करें, ऐसे सतत विकास के मॉडल को आगे बढ़ाएं जिसमें विकास के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी विकास सतत बना रहे। और अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित है कि भारत आने वाले समय में बहुत आगे बढ़ सकता है। ये बहुत बड़ी डिबेट का विषय है। आप जानते हैं ग्लेशियर्स, हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ हमारे मन में भावनाएं पैदा होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ग्लेशियर्स अपना स्वरूप बदल चुके हैं, उस पर बिना बात के डिबेट उठी हुई है, पानी का सूखना प्रारंभ हो गया है, हिमालय में तो बहुत ही पानी सूख गया है, कई नेचुरल स्रोत सूख गए हैं, और जो मैदानी भागों में है जो पानी का लेवल उतना नीचे जा चुका है कि वो नीचे जाने की गति उसकी रुक नहीं पा रही है। एक तरफ हम सुख और भोग के विकास की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जिनके दम पर ये सब है
वो सूखता जा रहा है, घटता जा रहा है। अब समय आ गया है, वक्त आ गया है कि हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी को जन्म देना होगा जो हमारी इन दोनों चीजों में तालमेल पैदा कर सके। और इससे बढ़ के मैं युवाओं को एक बात, सभी युवा हैं यहां पर, राय साहब भी युवा हैं, मैं ये बात आपके सामने लाना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया कि आपको अपनी बात को खुद समझना होगा, प्रॉब्लम्स को खुद, क्योंकि आपको फेस करना है, हमें नहीं करना है। मैं खुल के बोल दूं, क्योंकि आपके समय में इतनी चीजें आपके क्राइसिस में, पानी का आप क्राइसिस देख रहे हैं, आप तो बोतल लेके चल रहे हैं, आज पानी की बोतल लेके चल रहे हैं, अब एक चीज और लेके चलनी पड़ेगी आप, एक छोटे छोटे गैस सिलेंडर भी आपको जरूरत पड़ने वाली है, वो जेब में रख के देखा सांस रुक गई रास्ते में तो उसको लगा के कुछ देर के लिए सांस आपको लेनी पड़ेगी, एक चीज और आने वाली है। दूसरा और एक चीज आने वाली है, तापमान तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इससे बढ़ के जो चीज आपको फेस करनी है, मैंने ये बात 25 साल पहले कह दी थी और उसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान था। 25 साल पहले के अखबार में मेरी ये आर्टिकल छपे थे जो मैंने, जब पानी की बोतल नहीं होती थी, और मैंने कह दिया था 25 साल पहले कि पानी के क्राइसिस आने वाले हैं, तब क्राइसिस नहीं आए थे और वही बात हुई। और मैं आज फिर इसी मन से कह रहा हूं कि 20 साल 15 साल के अंतर्गत ये समस्या आने वाली है कि आपको भूख से भी मीट होना पड़ेगा, हंगर क्राइसिस, सोना होगा, पैसे की गड्डी होगी, बड़े बड़े मकान होंगे, भवन होंगे, लेकिन खाने के लिए लाले होंगे। और जो 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 स्ट्रेटजी 100 साल पहले थी, अगर आप इतिहास उठा के देखें तो 100 साल पहले वही लोग सेठ या वही लोग बहुत बलवान हुआ करते थे जिनके पास लैंड थी, एग्रीकल्चर था, गाय भैंसें थी और बेटियां ज्यादा थी, लड़कियां खूब थी। और आज ठीक वो चीजें बिल्कुल गायब हुई हैं। आज टेक्नोलॉजी और मशीन और ये चीजें आज, लेकिन इसके बाद भी, क्योंकि इतिहास में ये बात लिखी है कि सांस्कृतिक विलंबना होती है, हर चीज जो चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है वो फिर पीछे की तरफ लौटती है, और वो चीज पीछे की तरफ लौटी और टेक्नोलॉजी का युग आया, और अब फिर टेक्नोलॉजी का युग देख लीजिए आपके सामने है। कुछ मैं अलग से बात, इतिहास गवाह है, फिर वही होने वाला है कि पावरफुल वो होगा जिसके पास खेती होगी, जिसके पास एग्रीकल्चर होगा, जिसके पास अपनी सब्जी होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट में। आज मैं प्रोफेसर, यहाँ पर हमारे बड़े सम्मानित प्रोफेसर सैनी साहब हैं, तो उनसे बात हो रही थी, तो उनको भी ये आभास हो चुका था कि भाई ऐसी सब्जी हम खाएं तो खाएं कैसी, जिन सब्जियों में केमिकल मिला हुआ है, ये डर होने लग गया और इसके रिजल्ट भी आने लग गए। तो पावरफुल वो होगा जिसके अपनी सब्जी होगी, अपना अन्न होगा, अपना दूध होगा, और जिसकी बेटियां ज़्यादा होंगी। आज तो जिसकी ज़्यादा बेटियां हैं वो सबसे गरीब है, लेकिन आने वाले समय में ये बात हमारे पहाड़ों का, हिमालय में ये बात रही है। और फिर क्योंकि आप देखें किस तरीके से लड़कियों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन घट रही है, राष्ट्रीय सिनेरियो के हिसाब से मुझे लगता है कि फिर बेटियों का वर्चस्व आने वाले 15-20 साल में बहुत आगे बढ़ने वाला है, इसलिए वो हौसला रखें, उनका समय अब आने वाला है। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप जो सुन रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं और जो आपने ठानी है अपने बारे में, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम रूरल डेवलपमेंट, हम ये सीख करके ये करेंगे, ये बनना चाहेंगे, ये बन, क्या उसके बारे में आपके मन में दर्द पैदा होता है? इसके बारे में आप मुझे बताएं। दर्द भी पैदा होता है कभी, पेन, टू मीट विथ पेन, नहीं, अगर पेन नहीं होता है तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, श्योर नहीं है वो मिलेगा ही, वो चीज जो आप चाहते हैं जरूरी नहीं कि वो आपको प्राप्त होगी। हाँ, यदि कहीं आपके मन में उस चीज के प्रति दर्द पैदा होता है, पेन पैदा होता है, तो समझ लीजिए आपके मन में विचार आता है, और आपके मन में जिस दिन विचार आ गया, निश्चित है कि इम्प्लीमेंटेशन होगा, और जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो सफलता अवश्य मिलेगी, निश्चित मिलेगी, ये बात मैं आपको बता दूं। लेकिन दर्द पैदा कैसे हो,
ये सबसे बड़ी भारी बात है। और यही दर्द हमारे मन में पैदा हुआ 30 साल पहले। हमने कुछ नहीं, दर्द पैदा हुआ कि महिलाओं को देखा दिन भर, दादी और माँ और अपनी पत्नी को देखा कि दिन भर उठे सुबह और वो दरांती पकड़ी और रस्सी पकड़े चले घास के लिए, चले लकड़ी के लिए, दिन भर वहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और शाम को हासिल भी कुछ नहीं हो रहा है। पर बच्चे स्कूल गए नहीं गए, पहाड़ में हिमालय में, या अपना शरीर कभी ठीक ठाक रखा नहीं रखा। नतीजा ये हुआ कि वही पेन हमारे मन में था कि अगर ये सॉल्यूशन हम अगर कहीं नज़दीक दे पाए तो शायद है कि हम सफल अपने जीवन को मानेंगे। और 74 में जब मैंने काम शुरू किया था तब तो पर्यावरण भी नहीं था, नहीं गोष्ठियों का के बारे में कोई पता था, हमें तो पता भी नहीं। तो 74 के दशक में तो पेड़ लगाने की बातें नहीं होती थी, तब तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आया था। आज तो मैं यहाँ पर खूब बोल रहा हूँ, तब तो हमें बोलना भी नहीं आता था, बोलने भी क्या था जब सब्जेक्ट ही नहीं था। लेकिन पेन था, दर्द था कि नज़दीक अगर मैं इनके लिए एक समाधान दे दूँ तो इनका कम से कम 8-10 किलोमीटर जंगलों में भटकना बंद हो जाएगा। और अगर ये 8 घंटे का समाधान मैं अगर इनको 1 घंटे में दे दूँ तो इनके पास 7 घंटे बचेंगे, और ये 7 घंटे ये अपने आप को, अपने बच्चों को, या अपनी खेती बाड़ी, या अपने जूसे कुटीर उद्योग, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर सकती हैं। और यही सोच करके मैंने कार्य 74 में प्रारंभ किया। कोई टेक्नोलॉजी नहीं, तो हम कुछ भी नहीं, ये टेक्नोलॉजी की बात आ जाई है। और इसी को करते करते आज हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा मॉडल हम देने में सफल हुए जो क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइवलीहुड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इकोसिस्टम सर्विसेज को कैसे हम बनाए रखें उसके लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन उससे पहले जो मैं हिमालय के बारे में आपके बात, तो डॉक्टर प्रोफेसर पंवार ने आपको पीड़ा बताई, उसी को एक उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए कह सकता हूँ कि हिमालय बचेगा तो देश और विश्व बचेगा। देखिए हिमालय ही ऐसा है जो मौसम चक्र को बनाता है, समुद्र और हिमालय। हिमालय अगर नहीं रहेगा और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ या हिमालय का बर्फप्रपात या ग्लेशियर ये पानी अगर जिस दिन समाप्त हो जाएगा, मुझे लगता नहीं कि देश और विश्व सुरक्षित रह पाएगा। ये जो ठंडी हवा, आप सोचते हैं कि इतनी गर्मी में आज पता नहीं ये ठंडी हवा कहाँ से आ गई, तो वो कहीं कहीं हिमालय में बारिश हो जाती है और वो ठंडी हवा फिर इधर से हिमाचल में हो गई, इधर से आ गई उधर उत्तराखंड में हो गई, उधर से आ गई, ये एक सुकून सा आपको मिलता है और उसका सीधा सा असर आपकी खेती पर पड़ता है, आपके पानी पर पड़ता है। लेकिन कुछ चिंताएं हैं जिनके बारे में आपको बताऊं कि ये एक पिक्चर आप देख रहे हैं, ये सामने देखिए आप, जो ये स्थान बिल्कुल ड्रॉट है, इस ड्रॉट स्थान में पहले फ्रॉस्ट पाला पड़ता था, पाला जानते हैं आप लोग, पाला पड़ता था और वही पाला जो था पानी के स्रोत को रिचार्ज करता था। इसके नीचे जब ये पाला पड़ता था तो इसके नीचे जो स्प्रिंग्स ऑफ वाटर्स थे वो रिचार्ज होता ही होता है, क्योंकि ये पाला 1 और 2 महीने नहीं होता था, 3-4 महीने लगातार यहाँ पाला जमा रहता था और इस पाले के कारण उसके नीचे जितने वाटर स्प्रिंग्स थे वो रिचार्ज रहते थे। लेकिन आज ये स्थिति आ गई है कि ये पाला जो यहाँ पाला पड़ना बंद हो गया है और यहाँ ये घास जम गई है, काला बांसा पैरेथन। बड़े ताजुब करेंगे कि जहां कभी पाला पड़ता था वहां अब ये घास जम गई है, इसके नीचे जितने वाटर स्प्रिंग थे वो दिन पर दिन उनमें पानी की कमी होने लग गई। और अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है, कितनी मुश्किल आने वाली है इन स्थानों में। कल्पना कीजिए आप, 8,500 फीट सबसे ऊंची हाइट होती है जहां आप देख रहे हैं कि आग लगी हुई है, फॉरेस्ट फायर। जब फॉरेस्ट फायर हिमालय में 8,500 फीट तक पहुंच जाएगी तो आप कल्पना कीजिए कि क्या वहां पानी रहेगा, क्या वहां बर्फ रहेगी। ये धुआं जो उठ रहा है ये 8,500 फीट पर है,
और इस जगह का नाम वो दिया हुआ मैंने। अब लगाइए आपकी ऐसी स्थिति में हम चाहते क्या हैं और हो क्या रहा है, स्थिति कितनी। ये देखिए, ये पुल लगा था इसलिए कि इस नाले को लोग पार नहीं कर सकते थे, इतना पानी इस नाले में था कि लोग इसको पार नहीं करते थे। इस पर लाखों रुपए इस पुल को बनाने में इसलिए खर्च किया गया कि लोग पुल को पुल से होके जाएं। और आज आप देखेंगे कि ये नाला बिल्कुल सूख चुका है, इसमें पानी नहीं है। और इस हालांकि देखे, मैं जो बार बार कह रहा हूं कि चिंता करने की भी बात नहीं है, अभी हमारे पास वक्त है, संभलने का वक्त है। ये पानी जो है बेशक 100 मीटर आगे नीचे नीचे निकला है, वो आगे देखे, ये जो पानी इस गधेरे में होता था वो 100 मीटर आगे जाके निकल गया, यानी वो इतना कम हो गया कि वो नीचे नीचे 100 मीटर आगे हो गया। लेकिन पुल का नीचे तो बिल्कुल सूख गया है। कल्पना कीजिए कि ये स्थिति हमको कहाँ लेके जा रही है। ये देखिए आप, ये एक पदम का पेड़, पदम का नाम आपने सुना होगा, पहिया हमारे पहाड़ों में हिमालय का द बेस्ट प्लांट है पदम। ये पदम जो होता है ये एकमात्र ऐसा प्लांट है पूरे बायोडाइवर्सिटी पर्पज से पूरे भारतवर्ष का एक ऐसा प्लांट है खासकर हिमालय में, कि ये ऐसे समय में इसकी फ्लावरिंग होती है जब कहीं फूल ही नहीं खिलते हैं सर्दियों में, और जिससे कि परागण के लिए इसके फ्लावर्स बहुत अहम रोल, चाहे मधुमक्खी हो, कीट हो, पतंगे जो परागण में बहुत योगदान एग्रीकल्चर में देते हैं, वो इस पर जीवित रहते हैं। और ये सूखने लग गया है, ये देख लीजिए वो पहिया का जो पदम का पेड़ है वो सूखने लग गया। जिस दिन ये पदम सूख गया हिमालय में, पता नहीं क्या होने वाला है, मैं नहीं समझ पाता हूँ, ये बड़ा चिंता का विषय है। ये देखे, ये 19/1/2009 का फोटो है और 125 वर्ष पुराना पीपल का पेड़ है, और इसके नीचे एक रोड का सर्वे हुआ है, और मुझे लगता है कि ये कटने वाला है, क्योंकि रोड को जाना है, विकास को जाना है, विकास को होना है, और इसके कटने की संभावना पर्याप्त है। अब अगर ये कटता है, ऐसे पूरे भारतवर्ष की मैं बात करूंगा, ऐसे अगर ये प्लांट 125 वर्ष पुराना पीपल का पेड़ कटता है, या इसके साथ साथ ये 120 साल पुराना आम का पेड़ है, ये भी उसमें आ रहा है, ये भी कटता है, आप कल्पना कीजिए कि इनके द्वारा जो ऑक्सीजन या जो इनके द्वारा लैंड को मैनेज किया गया है उसका क्या हाल होगा। ये विकास की बात हम करने जा रहे हैं। यहां देखिए आप, ये खजूर का पेड़ है जिसका आज तक उम्र का किसी को पता नहीं है, दादा को भी नहीं पता है, उसने कहा मैंने भी ऐसे ही देखा, उसने कहा ये भी उस रोड से इसके नीचे कंस्ट्रक्शन होने वाला है, मुझे लगता है ये भी कटने वाला है। उसके बाद ये देखे आप, अब देखे ये गौरैया है, डोमेस्टिक पेनिस, इसका बहुत जबरदस्त रोल है हमारे पारिस्थितिकी बायोडाइवर्सिटी विज्ञान में, ये गौरैया है, और ये लुप्त हो रही है, ये समाप्ति की तरफ है। ये आपने देखा होगा कि ये बिल्कुल घरों के इर्द गिर्द होती है, और घरों में इसके सब कुछ, क्योंकि ये मनुष्य के सबसे नजदीक है, उसकी गंदगी को, उसके घर के गंदगी को, उसके रक्षा करने में इस गौरैया का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये दिन प्रतिदिन गौरैया जो है दिन प्रतिदिन लुप्त होने के कगार पर है। ये देखे, ये ऐसी जगहों पर, ऐसे मकानों में ये घोंसला बना के रहती थी गौरैया, आदमी के मकान में रहती थी, आज भी होगी कई जगह, निश्चित रूप से होगी। अब ये मकान लोगों ने विकास के नाम पर ये मकान तोड़ करके बिल्कुल SORM के लिए सीमेंटेड बढ़िया मकान बना दिया है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा ये गौरैया कहाँ रहेगी, उसके लिए नहीं बनाया उसने, अपने लिए मकान तो उसने बहुत बढ़िया बना दिया, लेकिन उसके मकान पर जो ये गौरैया थी, ये गौरैया कहाँ गई है, ये बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन ये अभी भी नहीं गई है, चेता रही है, उसके बाद वो ये आ गई है, मीटर है ना बिजली का, इस मीटर के अंदर इसने घोंसला बना दिया कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूं, मकान तुमने बदल दिया, लेकिन वो मीटर जो बिजली का मीटर है उस मीटर के अंदर उसने अपना घोंसला बना दिया है, वो देखिए बिजली का मीटर है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत दिन तक ये यहां भी नहीं रह पाएगी, जिस दिन बिजली वाले आ गए वो तोड़ फोड़ कर चले जाएंगे, और गौरैया तब कहां जाएगी, तो बहुत पेनफुल है।
और सवाल ये है कि ये किस गौर ये जिस दिन लुप्त हो जाएगी, हमारी बायोडाइवर्सिटी का जो अहम अंग है गौरैया, जिस दिन ये लुप्त हो गई उस दिन हमारा क्या होगा, ये बहुत चिंता का विषय है। ये देखे ये जो प्लांट है, कूंजा बोलते हैं इसको, इससे ही गुलाब की रचना हुई है, ये कूंजा से ही गुलाब बना है डॉक्टर साहब। और इस कूंजा में जो फ्लावरिंग होती है वो भी उसी सर्दियों में होती है। बायोडाइवर्सिटी का एक अहम प्लांट है कूंजा, और ये दिन पर दिन लुप्त हो रहा है विकास के नाम पर। इसके रीजेनरेशन की बात कोई नहीं कर रहा है, ये कट जा रहा है, सड़क बन रही है कट रहा है, कोई विकास कार्य हो रहा है उसके नीचे ये आ रहा है तो कट जा रहा है, लेकिन इसके रीजेनरेशन की बात नहीं हो रही है। इसके बाद ये देखिए, ये एक ऐसा प्लांट है जो पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक पानी को रिस्टोरेज करता है। वाटर, कम से कम जो लोग वाटर कंजर्वेशन में काम कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है जो वाटर कंजर्वेशन ओक के बाद, ओक से भी ज्यादा, माने बांज को जो बोलते हैं हम, या भमोरे को बोलते हैं, या जो हरिंज को बोलते हैं कि ये पानी को रिस्टोरेज करते हैं प्लांट, उससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट प्लांट है। ये नेचुरल हजल्ड की स्थिति में आ गया है। उसके बाद ये देखिए, अब ये गिलहरी है। गिलहरी कितनी मैदानों के लिए आवश्यक है, अगर वहां गौरैया है तो यहाँ गिलहरी है, लेकिन विकास के नाम पर पेड़ कट रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सोच रहा कि ये गिलहरी कहाँ जाएगी। एक दिन ये लुप्त हो जाएगी गिलहरी, और जिस दिन गिलहरी लुप्त हो जाएगी मुझे लगता नहीं होगा क्या। आप देखें, ये एक ऐसा कीट है जो केवल स्टोन में पैदा होता है, पत्थरों में पैदा होता है, और बायोडाइवर्सिटी को जन्म देता है। ये सामने ये कीट देख रहे हैं सर आप, ये छोटा सा कीट जो है ये केवल पत्थरों में पैदा होता है, पत्थरों में एक झुंड बना के रहता है, और जहां से फिर ये शिफ्ट होता है तो उस जगह पर काई जम जाती है और वहां पर वनस्पति उग जाती है उस पत्थर में, बायोमास उग जाता है। और ये बायोडाइवर्सिटीफाइड के लिए, मॉइस्चर गेन करने के लिए, ये कीट जो अहम भूमिका निभाता है इस पर भी असर पड़ गया, और ये भी लुप्त होने के कगार पर है। और अगर हिमालय में ये कीट लुप्त होता है तो मुझे लगता नहीं कि पानी बचा पाएंगे, ग्लेशियर बचा पाएंगे। मैं एक बात कहता हूँ कि ये अब चिंता करने की बात तो हो गई है, माना ग्लेशियर, पानी, जमीन, ये सब चिंता का विषय हो गया। अब सॉल्यूशन क्या है, सवाल तो सॉल्यूशन का है। सवाल, आज हम ग्लेशियर कैसे बचाएंगे, आज हम पानी कैसे बचाएंगे। पानी बचाने की जो बात है हमें दो फेस में देखना पड़ेगा। एक तो हम पानी को कंजर्व करने वाली बात आती है, एक फेस तो ये है, टैंक बनाइए, खाल बनाइए, चाल बनाइए, या यहां ये कीजिए वो, पानी को कंजर्व कीजिए, लेकिन बारिश ही नहीं है तो आपका कंजर्वेशन का तो कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। दिस वेरी प्रॉब्लम। हमारे उत्तराखंड में क्या हुआ कि ये बहुत तेजी से ये कार्य शुरू हुआ, खाल बनाने का, चाल बनाने का, टैंक, और करोड़ों रुपया इन्वेस्ट हुआ, लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, एनजीओ ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बारिश नहीं हुई तो वो टैंक तो सूखे सूखे, वो चाल और खाल तो सूखे, उत्तराखंड सरकार का करोड़ों रुपया भी सूखता रह गया, सूख गया पैसा, क्योंकि ये सारी चीजें बारिश पर निर्भर है। बारिश होगी तो टैंक में पानी भरेगा, बारिश होगी तो खाल में पानी आएगा, चाल में पानी आएगा, अगर बारिश ही नहीं होगी तो फिर न खाल में पानी होगा तो पैसा तो सूख गया। अब जब पैसा ऐसा सूखता रहेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी, उसको कौन रोक सकता। आज तो हमें ऐसी स्ट्रेटजी को लाना होगा जो पानी और बारिश और कंजर्व इसको सतत बनाए, इसको सतत बनाने की बात करें, पानी भी प्रॉपर बरसता रहे और उसका कंजर्वेशन भी प्रॉपर होता रहे, इस पर हमें फोकस करने की जरूरत होगी। और वही बात जो मैं ये मॉडल के रूप में आपके सामने है कि मिश्रित वन, मिक्स फॉरेस्ट्री का मॉडल जो मैं मिश्रित वन की बात कर रहा हूं, उसकी उसमें वन खेती की जो मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं कि वन तो हो लेकिन उसमें खेती भी हो। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री मैदानी भागों के लिए तो ठीक है क्योंकि यहाँ एग्रो बहुत बड़ी मात्रा में है, बहुत एग्रीकल्चर बहुत बड़ा है, इसमें फॉरेस्ट्री हो रही है तो इस, लेकिन हिमालय में तो खेती नहीं है। अब वहाँ हम एग्रो फॉरेस्ट्री की बात तो कर ही नहीं सकते, वहाँ तो हमें वहाँ पर तो 62% फॉरेस्ट लैंड है, 62% वन भूमि है वहाँ,
हमें तो अब फोकस होना पड़ेगा वन भूमि पर कि वहां पर एग्रो को उस भूमि के अंदर हम कैसे डेवलप करें, ये नई स्ट्रेटजी के रूप में, मॉडल के रूप में। और उसमें वन खेती को करते हुए हम जड़ी बूटियों को उगाएं, वर्ष भर हरी रहने वाली घासों को उगाएं, जैसे डॉक्टर प्रोफेसर पवार ने बताया, बंजर भूमि को हम कैसे रिजनरेट करें। और आर्थिक जो इकोनॉमी, इस इकोनॉमिकल युग में हम इकोनॉमी की बात से मुख नहीं मोड़ सकते, हम उसमें इकोनॉमी की बात भी कर सकें, उसमें गड्ढायन तकनीकी है, उसमें जो सतत विकास और बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन, ये वो मॉडल है। ये एक मिक्स फॉरेस्ट है, इसमें इस मिक्स फॉरेस्ट में ये मिश्रित वन है। चूंकि आज से 15-16 वर्ष पहले मिक्स फॉरेस्ट्री की कोई बात नहीं करता था, और मैंने इसके लिए बहुत बड़े आंदोलन किए, दिल्ली तक मैं आंदोलित रहा मिक्स फॉरेस्ट्री को। अंत में जब बायोडाइवर्सिटी की बात, एक कॉन्सेप्ट आया बायोडाइवर्सिटी, तब मिश्रित वनों की बात सरकार ने समझी और उसके बाद उसको मजबूरन मिक्स फॉरेस्ट्री को अपनी पॉलिसी में शामिल करना पड़ा। ये 1,00,000 पेड़ों का मेरा एक मिक्स फॉरेस्ट है, जो मेरी लैंड भी है, और इसके साथ साथ कम्युनिटी समुदाय ने देखा, उसने डेवलप किया, अपनी लैंड में किया, पंचायत भूमि में किया, और वो इलाका एक बहुत ही बायोडाइवर्सिटीफाइड एरिया हो गया है, जिसका अभी अभी जो डाटा आया है उसका सैटेलाइट डाटा, उसमें उन्होंने घोषित किया कि ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा, हमारा क्षेत्र जो है 18-20 गांवों का क्षेत्र, सबसे ज़्यादा उन्होंने सैटेलाइट से इसका घनत्व दिखाया है सर। अब इसके अंदर क्या क्या किया गया, हिमालय क्षेत्रों में विभिन्न पादपों का संवर्धन, महिलाओं की पीठ और सिर के बोझ को, मैंने कहा ना वही बात की जो दर्द पैदा हुआ और मैंने ये मॉडल तैयार किया, तो स्वतः ही महिलाओं की जो कमर और सिर का बोझ था लकड़ी घास का, वो कम हो गया। पर्यावरण के साथ साथ आर्थिक सशक्तिकरण, हालांकि पर्यावरण की दो बात है, पर्यावरण वाले लोग ये बोलते हैं कि अर्थ को बीच में मत लाइए, क्योंकि पर्यावरण 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 बचाइए, अर्थ नहीं। लेकिन मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, मैं उन पर्यावरणवादियों में नहीं हूँ जो केवल पर्यावरण के ढोल पीटते हैं, मैं ये हूँ कि पर्यावरण के साथ साथ आर्थिक विकास भी अहम है, और वो कैसा है, वो ये है, इसके बीच में है। ये मिश्रित प्रजा, इस मिश्रित वन में वृक्ष की जो 60 प्रजातियां हैं, पुष्प की 10 प्रजातियां हैं, जड़ी बूटी 25 प्रजातियां, फर्न 3 हैं, वर्ष भर चारा देने वाली 25 प्रकार की घासें हैं। ये सारा फॉडर स्पेसीज है। प्रमुख वृक्ष की जो प्रजातियां हैं, चीड़ है, देवदार है, सागौन है, तुंगला है, अंगू है, अयार है, रिंगाल है, सुरा है, शीशम है, पांगर है, ये सारी चीजें इसमें। फ्रूट प्लांट्स भी इसके अंदर हैं, जिसमें जामुन है, काफल है, हर सिंगारा, आंवला है, बादाम है, ये सारी चीजें इसके बीच है। ये देवदार है, ये देखे आप, बुरांस है, रम सारे उसके अंदर है, जो बुरांस का जूस आप लेते हैं। उसके बाद इस मिक्स फॉरेस्ट्री के अंदर बेंत है, केन, जिसको कुटीर उद्योग में हम डेवलप कर सकते हैं। इसी मिक्स फॉरेस्ट के अंदर रिंगाल, बैम्बूज की अनेक स्पीशीज हैं, ये आप देख रहे हैं बैम्बूज की स्पीशीज, और उसके बगल में आप देख रहे हैं रिंगाल की स्पीशीज। चूंकि रिंगाल और बैम्बूज अलग अलग स्पीशीज हैं, इसमें वो बैम्बू भी है जिस पर कि आज जो चाइना में हमसे बहुत पहले उगाया गया, जिसमें चाइना की 45% इकोनॉमिक जनरेट होती है, लेकिन वो भारत में बहुत देर में आया, वो बैम्बू की इसमें स्पीशीज है। ये वो बैम्बू है जो चाइना में तैयार होता है। ये देखिए आप, इसमें चमखड़ी का है, भोटिया बादाम है, ये जितनी स्पीशीज हैं ये मैं बाद में आपके सामने लाता हूँ, ये हम इसमें काम कर रहे हैं। इसके बाद ये इसके अंदर जो मैं वन खेती की बात करूँ कि पेड़ों को डिस्टर्ब किए बिना हम खेती को कैसे, कौन सी खेती को हम कर सकते हैं, तो ये जो देखे आप, ये बेल जा रही है पेड़ के ऊपर, ये बेल जा रही है, ये मेरी सब्जी की बेल है, और पेड़ को डिस्टर्ब किए बिना, ये एक कॉन्सेप्ट है, पेड़ मैंने लगाया, अब पेड़ का दायित्व तो बनता है कि मुझे कुछ दे, इसलिए मैंने सेम की बेल उसके नीचे बो दी, और उसने कहा कि भाई जंगली ने मुझे लगाया है तो अब जंगली को कुछ देना तो है, तो उसने कहा उस बेल को कि तुम मेरे ऊपर आ जा, उसने उसको अपने में शरण दी। और फिर लेकिन सवाल है कि बेल ने कहा यार मैं तेरे उसमें आऊंगी ऊपर, लेकिन तुझे भी तो कुछ देना पड़ेगा,
उसने क्या उसको नाइट्रोजन दे दी नीचे, सेम के जड़ों में नाइट्रोजन होता है, उस बेल ने पेड़ को नाइट्रोजन दे दी, पेड़ मैंने लगाया, पेड़ ने मुझे फली दे दी, और जैसे सब्जी हमने खा ली वैसे ही उस मिट्टी को फिर इकट्ठा करके अलग कर दिया झाड़ झूड़ करके, और बायोमास को उठा करके अपने खेतों में डाल दिया। उससे कितने रिजल्ट हमारे पास आएंगे, नंबर एक वनस्पति खाद मिल गई हमको, अच्छा उत्पादन मिल गया, गड्ढे के अंदर से उत्पादन मिल गया, ऊपर से तो मिलेगा ही लेकिन गड्ढे के अंदर से भी हमें यूज ऑफ लैंड, गड्ढे के अंदर से भी उत्पादन मिल गया। आग जो लगती है पहाड़ों में वो गड्ढे के अंदर आग भी नहीं जा सकती है, जल संरक्षण। और पानी जो देखे, पानी दो किस्म से हम, वाटर जो लेवल हमारा डाउन हो रहा है मैदानी भागों में हो चाहे हिमालय में हो, कारण बायोमास की कमी से, क्योंकि पानी को रोकने, जमीन में पानी को रोकने की क्षमता जो है कम होती जा रही है। अब वो धीरे धीरे जो हमारी पहले क्षमता थी खेतों की पानी रोकने की, पहले बारिश हुई तो यहाँ पर रुक गया पानी, ग्रास लेवल ऊपर ही रहा, फिर धीरे धीरे नीचे गया नीचे गया। तो ये पानी रोकने के संरक्षण के अलावा मिट्टी का संरक्षण, जो मिट्टी हिमालय की बहुत बह जाती है उसके संरक्षण में अहम रोल दे रहा है, और प्लस सतत लाभ कि इस टेक्नोलॉजी को आप यहाँ पर भी, आपके पास लैंड है, दो चार गड्ढा यंत्र तकनीकी को आप जरूर यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए और वो आपको लाभ दे सकती है। नेक्स्ट दीजिए, ये देखिए आप, ये पान वहाँ पर तैयार हो रहा है, ये फ्लावर्स वहाँ पर हैं, ये अब जड़ी बूटियाँ वहाँ पर आ गई हैं, और ये देखे अल्टीट्यूड, जो मैं एक जो लास्ट मेरा है कि हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो मेरा अपना मानना है कि अगर हमें ग्लेशियर्स को बचाना है, हमें अगर पानी को बचाना है, तो हमें अब एक नई टेक्निकी डेवलप करनी होगी कि हमको 2000 की ऊंचाई से ही क्लाइमेट को बदलना होगा, हमें 2000 को 4000 में कन्वर्ट करना होगा, 4 को 6 में, 6 को 8 में और 8 को 10 में कन्वर्ट करना होगा, जिस तरीके से मैंने 4000 को कन्वर्ट करके 6000 में ऊंचाई पर उगने वाली स्पीशीज को निम्न हाट ऊंचाई पर उगाना ये प्रारंभ किया है। ये नैर टेक्सस बकाटा 8000 पर होता है, मेरे फॉरेस्ट में हो रहा है, और ये ब्रह्मी, ये सारी जड़ी बूटियाँ उस फॉरेस्ट में हैं, केसर वहाँ हो रही है, ये देखिए आप, ये पूरी अब मैंने कैसे किया इसको, ये बहुत बड़ा डिबेट का विषय है, लेकिन सूक्ष्म रूप में आपको बताऊँ, जो ये पत्थर हैं, स्टोन्स देख रहे हैं आप सामने, इन स्टोन्स में मैंने बायोमास को डेवलप कर दिया है, ये बायोमास उसके नीचे फॉरन जर्मिनेट कर दी है, और जो कोल्ड क्लाइमेट की स्पीशीज हैं उनको वहाँ पर इंट्रोड्यूस करके वहाँ के क्लाइमेट को कतई बदल दिया है। और वो जो माइक्रो क्लाइमेट की जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम ये माइक्रो क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, तो निश्चित ग्लेशियर जो मैं कह रहा विकास के साथ पर्यावरण, माइक्रो क्लाइमेट का डेवलप होना बहुत जरूरी है और ये आवश्यक भी है। ये सारी जड़ी बूटियाँ पर, ये ओलिव मैं उगा रहा हूँ, ये ग्रास हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि जहाँ पर आपका काम हो रहा है उसके बीच में ही टॉक हो, उसके बीच में ही लोग आए और वो वहाँ पर आके, ये महिलाएं वहाँ पर आके सीख रही और ये वो काम करेंगी, ये सारे लोग वहाँ पर आके उस टॉक में कैसे कमल को कैसे डेवलप करना, 4000 पर ये देख रही हैं, ये कैसे ये फंगस तैयार हो रहा है सूखी लकड़ी पर, ये वहाँ पर आके देख रही हैं, ये पानी जो नीचे है ये कैसे डेवलप हो रहा है ये वहाँ पर आके, ये जो स्पीशीज गेंगा की जो स्पीशीज किस तरीके से ये बायोडाइवर्सिटी को आगे बढ़ाता है, ये आग लगने से ये ख़त्म न हो इससे इसको जिंदा कैसे रखना है, ये वो टेक्नोलॉजी वहाँ पर आके, ये देखे ये सारी चीज़ें हमारी ज़मीन को बहुत उत्पादन और बहुत उपजाऊ बनाती हैं। फिर हम बच्चों को लाएँ, फोकस करें, स्टूडेंट्स जो छोटे बच्चे हैं, छोटी जनरेशन के मन में हम इस चीज़ को डालना बहुत आवश्यक हो गया है। हम जो एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, जो हम पर्यावरण, उसको हमें इस उम्र से ही बच्चों को सिखाना होगा, बड़ा हो के नहीं, इस उम्र से। और ये देखिए आप, ये वो टेक्निक थी जिसमें कि हमारे पुराने ज़माने में लोग पत्थर के बनी हुई जो पानी को कंजर्व करते थे, केवल इसमें कोई सीमेंट नहीं कुछ नहीं, दाल और पत्थर से, दाल और पत्थर से ही बनाया जाता था जिसमें पानी कंजर्व रहता है, ये टेक्नोलॉजी हमारे पहाड़ों में पहले से है। ये मेरा फॉरेस्ट है, मिक्स फॉरेस्ट, ये जो पार्ट है जिसको उसको आगे बढ़ाया है, ये हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय में इसको
ये जो लैंड दी है यूनिवर्सिटी ने, वहाँ पर ये डेवलप हो रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डेवलप हो रही हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो वाटर की हम बात करते हैं, तो मैं वाटर को उत्पादन से जोड़ता हूँ। जब तक हम पानी को उत्पादन से नहीं जोड़ेंगे, हम पानी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए ये 30 साल के बाद ये पानी का स्रोत उत्पादित हुआ है, जिसको मैं कह सकता हूँ जहाँ कभी पानी नहीं था वहाँ पर पानी पैदा हुआ है, ये उत्पादन से पैदा हुआ है। और यहाँ पर मैं ये कहना जरूर चाहूँगा कि किसान, वैज्ञानिक, योजनाकार, यदि इन लोगों में अगर ठीक ढंग का लिंक बन जाता है, किसान है, साइंटिस्ट है, और जो योजना बनाते हैं, जो उसको पॉलिसी बनाते हैं, अगर इनमें ठीक सामंजस्य बन गया, तो निश्चित है कि हम इन चीज़ों को रोक पाएंगे, बढ़ते तापमान को, ग्लेशियर्स को, पानी को, धरती को हम बचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।